इंडियन बाइक्स ड्राइंग दिडगी सिटी में आ चुका एक जायंट सा थानोस जो कि पूरी की पूरी सिटी में तबाही मचा रहे। इस वजह से आज फ्रैंकलिन लेके आने वाले तीन सुपर हीरोज को, जिनमें से होंगे एक हल्क, दूसरा होगा आयरन मैन और तीसरा होगा स्पाइडर मैन। लेकिन इन तीन सुपर हीरोज से सिर्फ एक ही सुपर हीरो वो होगा जो इस वाले थानोस को फिनिश कर पाएगा। तो वो कौन होगा, तुम लोग अभी सोच लो और गेस कर लो, क्या वो हल्क होगा या फिर आयरन मैन या फिर स्पाइडर मैन होगा? अबे यार, मैं कब से आवाजें सुन रहा हूँ, आखिर है कौन जो इतनी बड़ी खतरनाक, ये कौन है इतना ज्यादा बड़ा? अबे थानोस, अरे ये इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा खतरनाक थानोस हमारी सिटी के अंदर क्यों आए और मेरे घर के बाहर क्यों आई है? अरे डेटियन रुक जा, मैं कहता हूँ यही बड़ी। अबे थानोस, तूने मुझे बुलाया भाई, मेरा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब बहुत हुआ, इस सिटी ने मेरा काफी ज्यादा नुकसान किया है, अब मैं इस पूरी की पूरी सिटी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सिर्फ आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुझे आधे घंटे के अंदर कुछ करना है तो कर। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आधे घंटे बाद मैं वापिस आऊंगा और इस पूरी की पूरी सिटी को फिनिश करके चला जाऊंगा। आधा घंटा है, कुछ करना है तो कर लेना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये तू सारी की सारी बातें मुझे क्यों बोल रहे? पूरी की पूरी सिटी है, वो कुछ ना करे, सिर्फ मैं ही करूँ जो करना है, आधे घंटे के अंदर मैं करूं। अरे तुम्हारी पूरी की पूरी सिटी मुझसे डर रही है, सिर्फ तू है जो बाहर निकला है, इस वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब मुझे बाहर निकलने नहीं था यार, मैं फालतू में बाहर निकला, अब ये मुझे बोल रहा है आधे घंटे के अंदर कुछ किया तो किया, नहीं तो मैं पूरी की पूरी सिटी को ही फिनिश कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं, जो करना है कर लेना। अबे यार, ये मैं कहां फंस गया, अब ये फालतू में मुझे चैलेंज दे के चला गया कि आधे घंटे के अंदर तुझे जो करना है करना, तो मैं पूरी की पूरी सिटी को ही फिनिश कर दूंगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई? नहीं, ना तो मेरे पास पावर्स है, ना तो मैं कुछ खतरनाक से हूं, मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेट, मैं ऐसा करता हूँ, ये सिटी गई बाहर में, सारे के सारे लोग तो वैसे भी भाग जाएंगे, मैं ऐसा करता हूँ एयरपोर्ट पे जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जो प्लेन पड़ा होता है ना उसको लेता हूँ, मैं भी सिटी से निकल जाता हूँ, किसी और सिटी में चला जाता हूँ। यस, नहीं तो वो वाला थानोस आएगा, मुझे भी फिनिश कर देगा, मेरी पूरी की पूरी सिटी को भी फिनिश कर देगा, सारी की सारी सिटी को ही तबाह कर देगा। उस वजह से अच्छे मैं भाग ही जाता हूँ। वैसे तो मैं ये वाली सिटी छोड़ के ना भागता, अगर मेरे पास कोई पावर होती मैं कुछ कर सकता। मेरी गाड़ी उल्टी हो गई। वेट, वहां पर कौन खड़ा है? अरे ये सच्ची में मुझे कुछ अजीब से लग रहा है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कौन है, ये सच्ची में कौन है? ओके, मैं उतर तो चुका हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है। एक्सक्यूज मी, आप कौन हो? अरे डीटीएन, मुझे पता है तुम मुझे नहीं पहचान सकते, क्योंकि मैं हूँ एक फ्यूचर स्पाइडरमैन, मैं हूँ 2099 से। यस, मैं वो स्पाइडरमैन हूँ, लेकिन मैं अभी तुझे सिर्फ ये बोलने आया हूँ कि वो वाला थानोस काफी ज्यादा खतरनाक है और इस सिटी में तबाही मचाएगा। लेकिन अगर तू अपने आरजीएस टूल के अंदर टाइप करेगा हल्क तो तुझे हल्क मिल जाएगा, अगर टाइप करेगा आयरन मैन तो तुझे आयरन मैन भी मिल जाएगा, और अगर तू टाइप करेगा स्पाइडर मैन तो स्पाइडर मैन भी तुझे मिल जाएगा, और इन तीनों को तू कलेक्ट करके खुद भी बन सकते है, और फिर तू उन तीनों को थानोस के सामने ला देना, वो तीनों उस वाले थानोस को खुद ही देख लेंगे, उसको मुझे पक्का यकीन है फिनिश कर देंगे, तुम्हारी पूरी की पूरी सिटी भी बच जाएगी, लोग भी बच जाएंगे और तू भी बच जाएगा। What? मतलब मैं ये तीनों के तीनों खुद भी बन सकता हूँ और फिर वो थानोस से लड़ेंगे भी खुद ही? ये तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है। हाँ, तू अभी भाग मत यहाँ से, तू अपने घर जा और आरजीएस टूल के अंदर एक एक करके तीनों को ढूंढ। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ अपने घर। यार ये क्या बात बोल दिया मुझे उस वाले फ्यूचर स्पाइडरमैन ने, लिटरली मैं वो सारे के सारे खुद भी बन सकता हूँ और वो खुद थानोस से भी लड़ लेंगे, मतलब सिटी भी बच जाएगी। ओके, मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ, बस मैं अपनी फेवरेट डिफेंडर को यहीं पे पार्क कर लेता हूँ। ये सब मेरी डिफेंडर भी फेवरेट हो चुकी क्योंकि मैंने इसको इतना चलाया और अब तो मुझे पसंद भी आने लगी है। लेकिन उसको छोड़ो, सबसे पहले मैं अपना आरजीएस टूल निकालता हूं और आरजीएस टूल के अंदर जो मैं फर्स्ट टाइप करने वाला हूं सुपर हीरो वो है हल्क। चलो मैंने हल्क टाइप तो कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन मैं इसको कर लेता हूं डन।
फाइंड दिस ओके फर्स्ट वीडियो तो आ चुकी है और ये तो शायद से एवेंजर्स टावर है और उसके ऊपर पड़ा हुआ है हल्क। और इस वाले एवेंजर्स टावर की तो मुझे लोकेशन भी पता है क्योंकि मैंने इस वाली वीडियो में ही देखा है, ये है जिगजैग रैंप के पास, मतलब मुझे जिगजैग रैंप के पास जाना पड़ेगा। चलो मैं अपनी डिफेंडर को निकालता हूँ और उस साइड पे जो जिगजैग रैंप है उस वाले जिगजैग रैंप के पास जाता हूँ। लेकिन तब तक विदाउट एनी चीटिंग तुम लोग सारे के सारे गेस कर लो कि लास्ट में आखिर उस वाले थेनोस को कौन फिनिश करने वाला है, हल्क, आयरन मैन या फिर स्पाइडरमैन। इन तीनों में से तुम लोगों को जो भी लग रहा है ना अभी के अभी कमेंट्स कर दो और फिर लास्ट में तुम लोगों को पता चल जाएगा तुम लोगों ने गेस ठीक किया था या फिर गेस गलत किया था। तो ये सबसे पहले अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट्स में जाओ, तुम लोग तीनों में से जो भी तुम्हारे ज़हन में आ रहा है उसको मुझे कमेंट्स में बता दो और फिर लास्ट में तो तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। तो शायद से अब तुम लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, कमेंट्स में मुझे बता भी दिया होगा। तो अब मैं बस जल्दी से उस वाले एवेंजर्स टावर के पास पहुंचता हूं। ओके मैं जिगजैग रैंप के पास इस वाले एवेंजर्स टावर तक तो पहुंच चुका हूं लेकिन अब मुझे जाने इसके ऊपर और यहाँ पर कोई भी सीढ़ियां वगैरह नहीं है। इसका मतलब मुझे इसके ऊपर पहुंचना पड़ेगा जंप्स करके और तुम लोगों को पता है जंप्स तो मैं इत्तू से मारता हूं लेकिन मेरे पास एक पावर भी है। यस, जिस पावर की हेल्प से मैं कुछ टाइम के लिए काफी ज्यादा बड़े से जंप्स कर सकता हूं। तो मैं ट्राई करता हूं एक बार। ओके सो अब मुझे यहां से जंप करना है तो मैं जंप करता हूं और देखो मैंने कितना ज्यादा बड़ा जंप, लेकिन ये तो उसके आधे तक भी नहीं पहुंचा, और बड़ा मारना पड़ेगा। तो इस बार सबसे बड़ा जंप मारना है और लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो पहुंच के अबे नहीं भाई और भी ज्यादा बड़े जंप्स मारने पड़ेंगे। अब तो शायद से हो ही जाएगा, मैं जंप करता हूँ और ये जंप क्या, लेट्स गो पहुंचने लो। अबे नहीं भाई और भी ज्यादा बड़े जंप्स मारने, कितने ज्यादा बड़े जंप्स मारूं मैं। ओके अब मुझे काफी ज्यादा बड़ा जंप मारना है और लेट्स गो, इस बार मैं काफी ज्यादा ऊपर गया काफी ज्यादा, लेकिन अभी भी उसके ऊपर नहीं पहुंच पाया मैं। भाई आखिर क्या करूं मैं, बस मेरे जंप्स बड़े का टाइम ना खत्म हो जाए, मुझे फिर से बड़ा जंप करना पड़ेगा, इस बार काफी ज्यादा बड़ा जंप करना पड़ेगा। लेट्स गो, तो इस बार मैं रेडी हूं जंप करने के लिए और गया जा रहा है। अबे भाई फिर से इतू सारे गया, बहुत हुआ, इस बार मैं दुनिया का सबसे बड़ा जंप मारूंगा। अबे भाई ये कहां जा रहा है, मुझे वहां तक जाना था। रुक जा मेरे भाई, रुक जा यार, ये तू कहां लेके जा रहे है मुझे, तू आसमान में लेके जाएगा यार। रुक जा मेरे भाई, रुक जा। अब पता नहीं ये कब नीचे उतरेगा, मैंने इतना सा बड़ा जंप कर लिया है लेकिन मैं वेट करता हूँ। आधा घंटा आसमान में उड़ने के बाद मैं आ चुका हूँ नीचे और भाई ये हल्क देखो तुम लोग, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज ये एवेंजर्स टावर, मैंने तो इसके बारे में सोच ही नहीं था भाई, ये एवेंजर्स टावर कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है और मैं लिटरली इसके ऊपर खड़ा हूँ और इसके अंदर कुछ है क्या, नहीं शायद कुछ नहीं है, लेकिन उसको छोड़ो भाई, फाइनली मुझे हल्क मिल चुका है जिसके पीछे मैं आया था, इतनी मेहनत की थी मैंने, तो मैं इसको कर लेता हूँ कलेक्ट। एक सेकंड, ये मैं खुद ही अपने आप ही हल्क बन चुका हूँ, फ्रैंकलिन था कुछ टाइम पहले लेकिन अब मैं बन चुका हूँ एक हल्क, बिकॉज अभी अभी मैंने इस वाले हल्क को कलेक्ट किया है, दैट्स व्हाई मैं एक हल्क बन चुका हूँ और कितना ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन मुझे फिर से नॉर्मल बनना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे आयरन मैन को भी ढूंढना है और स्पाइडरमैन को भी ढूंढना है, अगर मैं हल्क बन के घूमता रहा फिर मैं उनको नहीं ढूंढ पाऊंगा, तो ये मुझे नॉर्मल बनना पड़ेगा। ओहो कि तुम, मैं फिर से एक नॉर्मल फ्रैंकलिन बन चुका हूँ, अब मुझे ढूंढना है सेकंड सुपर हीरो को जो है आयरन मैन। तो अगेन मैं अपना आरजेस टूल निकालता हूं और पिछली बार मैंने टाइप किया था हल्क लेकिन इस बार मुझे टाइप करना है आयरन मैन, तो मैंने टाइप कर लिया, मैं इसको कर लेता हूं डन। फाइंड दिस ओके सेकंड वीडियो आ चुकी है और ये तो शायद से एयरपोर्ट का टावर है और इसके ऊपर पड़ा हुआ है आयरन मैन और भाई ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लेट्स गो, सेकंड लोकेशन है हमारी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का जो टावर है ना उसके ऊपर ही पड़ा हुआ है वो आयरन मैन, मुझे जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। वो तो ठीक है लेकिन मैं एयरपोर्ट के टावर के ऊपर कैसे जाऊंगा, उस बिल्डिंग की छत पे तो चला जाऊं लेकिन टावर पे ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता, लेकिन वो तो वहां जाके पता चलेगा। ऑलराइट, तो मैं यहां तक तो पहुंच चुका हूं, इस वाली बिल्डिंग के मैं ऊपर भी चला जाऊंगा स्टेयर से, लेकिन मेन प्रॉब्लम आने वाली है इस वाले टावर पे। देखो ये स्टेयर से इस वाली बिल्डिंग की ना कि उस वाले टावर की, इस वाले स्टेयर से सिर्फ मैं इस वाली बिल्डिंग के छत के ऊपर ही पहुंच सकता हूं। देखो यहां तक तो मैं पहुंच चुका हूं लेकिन अब मुझे जाना है इस वाले टावर के ऊपर जिसका कोई भी कहीं से रास्ता ही नजर नहीं आ रहा मुझे। अबे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जाऊं तो जाऊं, वेट ये क्या पड़ा हुआ है, अबे भाई ये तो एक फ्लोर है और इस वाले फ्लोर की हेल्प से मैं उस वाले टावर के ऊपर इजीली जा सकता हूँ। यस इजीली, बस मैं इसको अरेंज करता हूँ और उसके ऊपर जाता हूँ। फाइनली जैसे तैसे करके मैं इस वाले टावर के ऊपर पहुंच चुका हूँ और ये आयरन मैन देखो ये तो मुझे हल्क से भी ज्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन नहीं शायद मैं छोटा हूँ, आयरन मैन उतनी साइज का है, बट एनीवेज मैं इस वाले आयरन मैन को कर लेता हूँ कलेक्ट। And here we go, भाई मैंने जैसी
आयरन मैन को कलेक्ट किया है, अब मैं बन चुका हूँ एक आयरन मैन। एंड मानो या ना मानो लेकिन हल्क अच्छा लग रहा था, बट ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा मैं एक आयरन मैन बन चुका हूँ और आयरन मैन बन के खेल रहा हूँ। भाई सच में यार काफी ज्यादा क्रेजी फीलिंग्स आ रही है। अब मैंने हल्क को भी कलेक्ट कर लिया है, इस वाले आयरन मैन को भी कलेक्ट कर लिया है, अब मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्पाइडर मैन, क्योंकि उस वाले फ्यूचर स्पाइडर मैन ने मुझे ऐसे ही कहा था तुम्हें हल्क को, आयरन मैन को और स्पाइडर मैन को ढूंढना है, सिर्फ इन तीनों को ही, वो खुद ही उस वाले थानोस को फिर देख लेंगे। तो बस अब मैं फिर से एक आयरन मैन से बनता हूँ नॉर्मल फ्रैंकलिन, फिर जाके उस वाले स्पाइडर मैन को भी ढूंढता हूँ जो कि शायद इस वाली सिटी के अंदर ही मुझे मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार नॉर्मल हो जाता हूँ। कि मैं एक आयरन मैन से फिर से एक नॉर्मल फ्रैंकलिन बन चुका हूँ, अब मैं फिर से जाता हूँ आरजेस टूल के अंदर, वहां पर टाइप करता हूँ स्पाइडर मैन, क्योंकि अब बस मुझे स्पाइडर मैन ही चाहिए जो कि लास्ट होने वाला है। तो इस वजह से मैंने अपना आरजेस टूल निकाल लिया और यहाँ पर टाइप कर लिया स्पाइडर मैन, अब मुझे बस इसको ढूंढना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ डन। फाइंड दिस ओके, एक और वीडियो आ चुकी है और ये तो ट्रेन स्टेशन है, उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा हुआ है ये वाला स्पाइडरमैन। लेट्स गो भाई, मुझे लगा था कोई स्पाइडरमैन काफी ज्यादा मुश्किल से मुझे मिलेगा, लेकिन ये तो इजीली मिलने वाला है, सिर्फ ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है मुझे। लेट्स गो टू अवर लास्ट डेस्टिनेशन जो कि ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर है स्पाइडरमैन, और स्पाइडरमैन लास्ट ये जो हमें ढूंढना है, उसके बाद तीनों के तीनों सुपर हीरोज मेरे पास आ जाएंगे, फिर उस वाले उसको आने दो, मैं तो अब उसको नहीं छोड़ने वाला, मैं बस जल्दी से ट्रेन स्टेशन पहुंचता हूँ। पहुंच गया अपनी लास्ट डेस्टिनेशन तक, ये रहा स्पाइडरमैन, और ये कोई नॉर्मल स्पाइडरमैन नहीं है, इतना बड़ा स्पाइडरमैन, जायंट स्पाइडरमैन है। लेट्स गो भाई, मुझे बस वेट नहीं करना चाहिए, मैं जल्दी से इस वाले स्पाइडरमैन को कर लेता हूँ कलेक्ट। ओके, तो मैं एक नॉर्मल फ्रैंकलिन से स्पाइडरमैन बन चुका हूँ जैसा उन दोनों सुपर हीरोज पे हुआ था। और देखो वो तो दोनों ही नॉर्मली भाग रहे थे, जंप्स कर रहे थे, लेकिन भाई ये वाला स्पाइडरमैन लिटरली स्विंग्स मार रहे, देखो तुम लोग ये कितना खतरनाक लग रहा है। लेकिन अब बस भाई टाइम शायद से ज्यादा हो चुका है, वो वाला थानोस आते ही होगा, मैं तीनों के तीनों सुपर हीरोज को एक साथ ही रख देता हूँ और फिर उस वाले थानोस को तीनों के तीनों सुपर हीरोज देख लेंगे। फाइनली भाई थानोस आ चुके और थानोस के सामने आ चुके तीनों के तीनों एवेंजर्स, हल्क, आयरन मैन और स्पाइडरमैन। अब इन तीनों में से कोई एक ही होगा, या फिर हल्क होगा, या फिर आयरन मैन होगा, या फिर स्पाइडरमैन होगा, जो इस वाले थानोस को फिनिश करेगा। और अगर तुम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इसको कौन फिनिश करने वाला है। तो अब बस देखना है कि इन तीनों में से कौन है जो इसको फिनिश करेगा। लेट्स गो, तो फाइट शायद स्टार्ट होने वाली है और फर्स्ट जा रहा है हल्क, और देखते हैं अब हल्क क्या करता है। ये थानोस काफी ज्यादा गुस्से में और ये हल्क ने मारा, लेकिन थानोस को इतना कुछ हुआ नहीं और थानोस इसको मार रहा है और हल्क तो भाई गया। लिटरली में भाई थानोस के एक पंच से हल्क फिनिश हो गया, अब बचे आयरन मैन और स्पाइडरमैन, और अब जा रहा है आयरन मैन। आयरन मैन तो भाई शायद से इसको फिनिश कर ही देगा, क्योंकि आयरन मैन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसने जंप लगाया लेकिन किया कुछ नहीं। ओ, 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 भाई ये भी एक पंच में फिनिश। अब बस सिर्फ जो बचे वो स्पाइडरमैन, वो दोनों के दोनों फिनिश हो गए। अब पता नहीं स्पाइडरमैन क्या करेगा, ये इसने स्विंग लगाई और ये थानोस के पास जाते जा रहा है, जाते जा रहे और ये थानोस को मारा और भाई थानोस फिनिश। लेट्स गो भाई, हल्क को और आयरन मैन को तो थानोस फिनिश कर गया, लेकिन स्पाइडरमैन ने थानोस को ही फिनिश कर दिया। तुम लोग कमेंट्स में मुझे सच्ची सच्ची बताना किस किस ने सही गेस किया था कि स्पाइडरमैन ही इसको फिनिश करने वाले, सारे के सारे मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो ऊपर वीडियो शो रही है उसको देखो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। And his name is John Cena.